हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, बाय डबलिन एक नया मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी लेटेस्ट है। इसका नाम है डबलिन टर्बो 1100 एंड डबलिन टर्बो 1500। एक है 1.1 लीटर एंड एक है 1.5 लीटर। दोनों ही साइजेस काफी बढ़िया और काफी अच्छे हैं। एक लीटर से बड़े साइज है दोनों ही। अब मैं आपको इसका पहले बॉक्स दिखा दूं। इस तरीके से कलर्ड बॉक्स है जो कि कंपनी ने दिया हुआ है। दोनों ही बॉक्स काफी सुंदर और काफी सॉलिड बॉक्स है। अब मैं ओपन करता हूँ इसे और आपको इसके रिव्यू देता हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही मैंने अनबॉक्स कर लिए आप लोगों के लिए। दोनों की दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग और काफी सॉलिड है। लेदर का कवर है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक ग्रीन कलर है और एक ब्लैक कलर के अंदर है। जो ग्रीन कलर है उसमें भी पैरेट ग्रीन कलर कंपनी ने किया हुआ है। कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा है कलर्स की। अगर मैं बात करूं ढक्कन की, अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा स्टील का ढक्कन है। और मेन बात जो मोस्टली बॉटल्स में नहीं आती, अंदर का जो पार्ट है वो भी स्टील का है। जैसे कि अगर आप कुछ गर्म डाल रहे हैं, गर्म चाय या गर्म पानी डाल रहे हैं और ऊपर ढक्कन में लगता है तो भी उसमें कोई हार्मफुल नहीं है। पूरा स्टील के अंदर है ढक्कन भी इसका। और अगर ढक्कन आप खोल रहे हैं और आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये अटैच्ड है। जी हाँ, एक ग्रिप दी हुई है कंपनी ने ताकि ढक्कन इधर उधर मिसप्लेस भी ना हो। अंदर से अगर मैं बात करूं तो काफी सॉलिड और काफी वाइड माउथ है। अगर आप इसमें आइस क्यूब, वैसे तो ठंडा पानी आप डालें तो भी ठंडा रहेगा काफी देर के लिए, आइस क्यूब ना डालें तो भी बेटर है क्योंकि उससे आपका गला और आपकी हेल्थ के लिए भी सही है। और कंपनी ने वैसे वाइड माउथ दिया है, उसका रीजन एक यही है कि आप आइस क्यूब भी डाल सके। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आप इतना ठंडा पानी भी ना पिए, हमेशा नॉर्मल पानी पिए, ताजा पानी पिए, और जिससे आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे, सही रहे। नीचे से अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने एक एंटी स्किड वाला रबड़ लगाया हुआ है ताकि बॉटल इधर उधर हिले ना, और अगर आप रख रहे हैं तो नीचे रखते हुए डेंट ना आए। अब मैं इसका लेदर का बैग दिखाता हूँ आपको। लेदर का बैग भी कंपनी ने काफी सॉलिड दिया हुआ है। ये नहीं कि काम चलाऊ बैग दे दिया आपका, अगर फ्री में कंपनी दे रही है ऐसा नहीं है। जो बैग की क्वालिटी है वो भी मैं फिजिकली देख रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर इसका बैग है। बाय डबलिन कंपनी ने काफी कुछ सोच के इस बॉटल को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इस तरीके से 1.5 लीटर वाली है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कलर का डिफरेंस है, कैपेसिटी का डिफरेंस है। 400 ml बड़ी है ये बॉटल। और हमेशा जैसे अगर बड़े यूज़ कर रहे हैं तो मैं हमेशा उन्हें यही रेकमेंड करता हूँ कि आप स्टील वाली ले, मतलब सिल्वर कलर ले। होता ये भी स्टील है, ये स्टील के ऊपर पेंट किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है। और अगर आप इसे घिसते हैं हार्ड स्क्रबर से तो उसका वो फिर कलर थोड़े टाइम बाद उतरना शुरू हो जाता है। तो हमेशा यही रिकमेंडेशन रहती है कि आप स्टील कलर ले ताकि कोई भी उसमें स्क्रैच विजिबल ना हो और कुछ भी ऐसा गलत ना लगे। इस तरीके से मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इसका भी सेम वाइड माउथ है, ऊपर से स्टील है। स्टील जो ऊपर दिया हुआ है वो भी 304 ग्रेड का कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, जो कि अपने आप में ही क्वालिटी बताता है कि हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी है। 304 ग्रेड का मतलब क्या है कि आप अगर इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, लिक्विड में डाल रहे हैं, आप डाल सकते हैं, वो कभी भी रस्ट नहीं खाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो कि अब इस बॉटल के बारे में कुछ जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका अंदर से इनसाइड स्टील है वो 18x8 गेज का स्टील है जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता है। उसके बाद इसमें जो इंसुलेशन पावर है, इंसुलेशन पावर कंपनी ने जो बॉक्स में मैंशन करी है वो ये लिखा है, कीप वाटर हॉट एंड कोल्ड फॉर लॉन्ग आवर्स। जी हाँ, गर्म और ठंडा रखने की क्षमता रखता है काफ़ी घंटों के लिए। बट कंपनी ने कहीं पर भी ये मैंशन नहीं किया है पूरे बॉक्स में कि कितनी देर के लिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी बिल्कुल भी अपना ये नहीं बताना चाहती कि 12 घंटे या 24 घंटे रहता है, वो ये कहना चाहती कि बहुत देर तक रहता है। उसके बाद इसका यूसेज हमेशा जो है, इसमें आपने कभी भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स नहीं डालनी है। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स क्या होती है जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, जिसमें बबल आता है, जैसे कि सोडा, पेप्सी, लिमका, ये सब चीज़ें आपने इसमें नहीं डालनी है। गर्म पानी, कॉफ़ी, चाय, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद जब भी आपने इसे क्लीन करना है, क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, हमेशा सॉफ्ट जो डिटर्जेंट आते हैं उनसे आपने इसे साफ़ करना है। जैसे कि विम लिक्विड आता है, आप उसे साफ़ कर सकते हैं। ब्लीच से या कोई हाईली स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट होते हैं उन सब से आपने इसे नहीं साफ़ करना है। अब मैं इसमें अगर वारंटी की बात करूँ तो कंपनी 1 ईयर की इसमें वारंटी लेके चलती है, जिसमें कि कोई भी मिसहैंडलिंग इंक्लूड नहीं है। जी हाँ, अगर इसमें बॉटल में डेंट आता है कहीं पर भी तो वो आउट ऑफ वारंटी चले जाती है। सेकेंड, क्या कंपनी ने ध्यान रखा है कि इसमें हॉट एंड कोल्ड की ड्यूरेशन में कंपनी ने ये कहा है कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक है, कहीं पर भी आवर्स मैंशन नहीं किए हैं कंपनी ने। और अगर इसमें डेंट आते हैं तो वो आउट ऑफ वारंटी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर बॉटल में क्रैक आता है, जैसे कि स्टील चटक जाते हैं, तो वो चीज़ वारंटी में इंक्लूड होती है। वो आप 1 ईयर तक इसमें वैलिड है, एप्लीकेबल है, वो आप उसे रिवील करा सकते हैं। ये इसके सारे ऑल ओवर रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग थे। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ
प्राइसिंग कंपनी ने बहुत सस्ते रखे हैं जी। हाँ, अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं जैसे कि मिल्टन है, सेलो है, जेपी है या डबलिन है, तो इन सब में डबलिन के जो प्राइसेस है कंपैरेटिवली जितने भी अलग ब्रांड्स हैं उनसे काफ़ी कम है और क्वालिटी मेंटेन है। तो अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो 1149 जो है वो 1.1 लीटर की एमआरपी है एंड 1500 एमएल वाली की जो एमआरपी है वो 1399 है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी इकोनॉमिकल है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो इसमें आपको एमआरपी से ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके वो लिंक ओपन करके आप इसे परचेज करना चाहें। क्वालिटी मैं फिजिकली देख रहा हूँ, नया मॉडल है डबलिन का और क्वालिटी सुपर क्वालिटी के अंदर है। मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी है बॉटल की इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ। ये सारे इसके ऑल ओवर रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग थे। कंपनी ने टोटल 3 कलर इसमें प्रोवाइड कराए हुए हैं, जैसे कि ग्रीन है, सिल्वर है एंड एक कॉपर कलर है। कॉपर कलर मैंने अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि मुझे 3-2 कलर बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने फिलहाल ये 2 कलर अनबॉक्स किया आप लोगों के सामने। ये सारे इसके ऑल ओवर रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग थे। अब अगर आपको ये बॉटल अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन ओपन करके इसे परचेज कर लीजिए। और अगर ये वीडियो, ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज़, नए नए प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।